तो दिल्ली की ये तस्वीरें, विनेश फोगाट के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरह से पेरिस ओलंपिक में खेली विनेश फोगाट, उसके बाद फाइनल्स मैच तक क्वालिफाई कर गई, और फाइनल से पहले जब विनेश फोगाट का वज़न किया गया तो महज 100 ग्राम ज़्यादा वज़न आने से उन्हें यहाँ पर डिस्क्वालिफाई कर दिया था। साक्षी मलिक देखिए तस्वीरों में नज़र आ रही हैं, और उनके साथ में यहाँ पर बजरंग पूनिया भी मौजूद हैं रिसीव करने के लिए, विनेश फोगाट को पहुँचे हैं। और लगातार यहाँ पर देखिए मीडिया का भी काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम सवाल जवाब मौजूदा लोगों से किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं झटका विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के दौरान तब लगा जब उन्हें फाइनल से बाहर कर दिया गया। फाइनल मुकाबले में पहुंचने के बाद उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया ये कहकर कि वो ओवरवेट हैं। तमाम उनकी ओर से प्रयास किए गए कि किसी तरह उनको फाइनल्स खेलने दिया जाए। इस बीच उन्होंने उनकी हिम्मत इतनी हार ख़त्म हो गई थी, उनका मनोबल इतना टूट गया था कि उन्होंने रेसलिंग से संन्यास तक लेने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे अपने सिल्वर मेडल को लेकर अर्जी डाली, सीएस में अर्जी डालने के बाद, हालांकि अब तक फैसला सीएस का नहीं आया है। ऐसे में अर्जी विनेश फोगाट की ओर से हालांकि डाली गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं, साक्षी मलिक उनके साथ मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर उनको लेने के लिए पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। उसे कभी भूला नहीं जाएगा, इतिहास में जब भी रेसलिंग को याद किया जाएगा आगे आने वाले वक्त में, तो इतिहास में देखा जाएगा कि किस तरह से विनेश फोगाट ने अपना कंपटीशन जीतने के लिए मेहनत की, कितनी लगन से उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। आंखों से आंसू विनेश फोगाट के निकलते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भले ही जो प्रदर्शन उन्होंने दिया काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन एक जो उम्मीद थी उन्हें गोल्ड की, वो उम्मीद उनकी टूटी, और उसी टूटी उम्मीद को लेकर, और उसी टूटी उम्मीद के बाद नम आँखों को लेकर वतन वापसी विनेश फोगाट की हुई है। हालांकि भारत वापस आने की खुशी कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को होगी, लेकिन फाइनल्स ना खेलने का दुख और फाइनल्स से डिस्क्वालिफाई होने का जो गम है वो भी साथ लेकर विनेश फोगाट लौटी हैं, क्योंकि मेहनत इतनी थी उनकी, तैयारी इतनी थी उनकी, लेकिन 100 ग्राम वज़न की वजह से वो चूक गई, और 100 ग्राम उनकी मेहनत पर, उनकी तैयारी पर ऐसा भारी पड़ा कि फाइनल्स खेलने से उनको मना कर दिया गया, जिसके बाद हिम्मत भी हार गई थी विनेश फोगाट, मनोबल भी उनका पूरी तरह से टूट गया था। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं नम आँखों के साथ लोगों के बीच विनेश फोगाट मौजूद हैं, खुशी भारत लौटने की उन्हें हो भी रही है, लेकिन वो उस खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका गम, उनका दुख इतना बड़ा है फाइनल्स ना खेलने का, सालों की उनकी मेहनत। बजरंग पूनिया विनेश फोगाट के साथ मौजूद हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, साक्षी मलिक उन्हें लेने के लिए पहुंची, और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं विनेश फोगाट को लेने के लिए पहुंचे हैं। भले ही विनेश फोगाट की हिम्मत टूट गई है, विनेश फोगाट भले ही काफ़ी अपने आप को लो
महसूस कर रही हों, लेकिन देश का हर एक नागरिक उनके साथ खड़ा है, देश का हर एक नागरिक उनके गम को महसूस कर सकता है और पूरा पूरा समर्थन सभी देशवासियों का विनेश फोगाट के साथ है। भले ही गोल्ड मेडल विनेश फोगाट ने नहीं जीता, लेकिन देशवासियों के लिए फिर भी वो चैम्पियन बन के उभरी हैं। जब पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ वो नाइंसाफी हुई, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी उनका मनोबल बढ़ाए जाने के लिए एक ही बात कही गई कि विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हैं और हिम्मत नहीं हारनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद IOA अध्यक्ष PT उषा से बातचीत की, जो भी विकल्प इस मामले में हो सकते हैं उन सभी पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। हालांकि CSA में अपील सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगाट ने दी है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। प्री क्वार्टर फाइनल्स खेले विनेश फोगाट ने, क्वार्टर फाइनल्स खेले, सेमीफाइनल्स खेले और सभी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और जीतते जीतते फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। हालांकि फाइनल से पहले जब उनका वजन हुआ तो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में इस बार विनेश फोगाट खेल रही थी, हर बार 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं, लेकिन इस बार क्योंकि 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी तो वही वज़न उन्हें मेंटेन करके रखना था। और जब वज़न हुआ तो 100 ग्राम ज़्यादा आया उनका वज़न, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और एक बड़ा झटका विनेश फोगाट को यहाँ पर लगा। उनकी सारी उम्मीदें वहाँ पर टूट गईं, उनकी जो सपने थे उन वो सपने वहाँ बिखरते हुए नज़र आए। हालांकि तमाम प्रयास विनेश फोगाट की ओर से भी किए गए, उनके समर्थकों की ओर से भी किए गए, देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी किए गए, देशवासियों की ओर से भी किए गए, सभी ने एक मुहिम छेड़ दी कि विनेश फोगाट को फाइनल्स खेलने दिया जाना चाहिए। और सभी की ओर से लगातार इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आने लगी, देशवासियों की ओर से इसको लेकर कई तरह के पोस्ट भी सामने आने लगे और ये मुहिम छेड़ दी गई कि फाइनल्स जीतना चाहिए, फाइनल्स खेलने दिया जाना चाहिए विनेश फोगाट को, और फाइनल्स नहीं तो कम से कम जिस सिल्वर मेडल की हकदार वो हैं वो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो नियम और कानून है उसके मुताबिक जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, जिस तरह से उनको फाइनल्स खेलने से मना किया गया, उसके बाद सिल्वर मेडल की हकदार भी वो नहीं रह गई। लेकिन अब विनेश फोगाट की ओर से यही अर्जी CSA में दी गई है कि उनको कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए जो प्रदर्शन उनका रहा पेरिस ओलंपिक में। हालांकि लगातार पेरिस ओलंपिक जो है विवादों में रहा है और फिर एक विवाद विनेश फोगाट के मामले में भी सामने आया, लेकिन अब वतन वापसी विनेश फोगाट के साथ हो गई है। क्योंकि जब ऐसा वक्त होता है, आप कुछ करने जाते हैं उसमें आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, ऐसे मनोबल काफ़ी टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं, हिम्मत हार जाते हैं, बाहरी देश होता है, विदेश होता है, उधर इंसान अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन अब चूंकि वतन वापसी उनकी हो गई है, अपने लोग यहाँ पर होंगे विनेश फोगाट के साथ, उनके समर्थक यहाँ पर होंगे, उनके परिजन यहाँ पर होंगे, तो जाहिर तौर पर रिकवरी करने में विनेश फोगाट को काफ़ी आसानी होगी। जो ट्रॉमा एक तरह से उनको पेरिस ओलंपिक के दौरान हुआ, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में विनेश फोगाट के लिए आसानी होगी अपने भारत देश में अपने लोगों के बीच रहकर। और जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जा सकती है कि जो ट्रॉमा विनेश फोगाट को लगा उससे जल्दी वो उभरें, जल्दी वो ठीक हों और फिर एक बार हिम्मत जुटाएं, फिर एक बार खड़ी हों और फिर एक बार तैयारी करें, अपनी ट्रेनिंग करें और आगे आने वाले गेम्स के लिए तैयारी करती रहें। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर विनेश फोगाट की वतन वापसी हुई। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें जिसमें तमाम लोग पहुंचे विनेश फोगाट को लेने के लिए, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है उस तस्वीर में लगातार आप देख रहे हैं विनेश फोगाट को भावुक होते हुए।
नम आँखों के साथ वतन वापसी विनेश फोगाट ने की। कहीं ना कहीं जो पेरिस ओलंपिक के दौरान उनके साथ हुआ, जिस तरह से उन्हें फाइनल्स नहीं खेलने दिया गया, उस बात की निराशा उनकी आंखों में भी नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी लोग उनका मनोबल लगातार बढ़ाए जाने के प्रयास कर रहे हैं, लगातार उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर लोगों की ओर से उन्हें यही महसूस कराया जा रहा है कि चाहे विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं जीत कर आई, लेकिन वो हर एक देशवासी की नज़र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हर एक देशवासी की नज़र में चैम्पियन हैं। और आज हमारी यही चैम्पियन भारत वापस लौटी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका जज्बा मजबूत हो, आपकी हिम्मत मजबूत हो, आपकी जो इरादे हैं वो अगर मजबूत हो, तो भले ही आप कुछ भी करना चाहें उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई चीज़ों में आप कामयाब नहीं हो पाते, कई काम ऐसे होते हैं आपके जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी अगर आपकी नीयत साफ होती है, आपका जज्बा अच्छा होता है, तो फिर भी आप लोगों की नज़र में चैम्पियन बन जाते हैं। और यही विनेश फोगाट के साथ भी हुआ। भारत की जय, भारत की जय, भारत की जय, भारत की जय।